औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शो दैट में पार्ट नंबर 1 करेंगे, जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस डब्ल्यू वाई एंड एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई सोल्यूशन। ये हमारे साथ फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम ओपन करेंगे पहले, जो कि एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। हमने इसको इसकी तरह बनाया है, तो टेकिंग इसको हम राइट साइड का नाम देंगे और इसको लेफ्ट, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस इसमें ये इसके साथ पहले ही से मैच हो रहा है, तो इसको हम नहीं चढ़ेंगे, हमारा काम इन दोनों के साथ होगा। इसको दोबारा अपनी जगह पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई और ये है एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, आएगा इससे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई, ये इसके साथ उसके साथ प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे हम एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इससे हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे माइनस एक्स वाई का मान लेंगे, तो यहाँ पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब माइनस वन प्लस वन के बराबर है, तो यहाँ पर हम प्लस वन पुट करेंगे और ये वाई स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। इसके बाद एक्स माइनस वाई जो कि है एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन के बराबर है, इसकी जगह हम माइनस वन पुट करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे साथ फार्मूला बन गया, इसलिए हम लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। So left hand side is equal to right hand side. इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 करेंगे। जो के है पार्ट 2 वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा 4 वन प्लस ओमेगा 8 इज इक्वल टू 1। ये हमारे साथ यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, तो पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, इन सब को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 प्लस ओमेगा हमारे साथ इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे साथ इक्वल है माइनस ओमेगा के, ये हम यहाँ पर लिखेंगे भी, और 1 इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये दोनों इन दोनों का पावर एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएगा, तो इससे ओमेगा 4 आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, नहीं यहाँ पर 6 आएगा 6 और 2 इन दोनों का पावर दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, तो और यहाँ पर हम लिखेंगे भी के एज या इससे ऊपर लिख लेंगे, बस इस यहाँ पर हम 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों के इनको भी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो वही आएगा ये 1 के इक्वल है। लेफ्ट हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड प्रूफ करने के, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है।
सो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, और यहां पर 1 प्लस, इससे 6 आएगा ओमेगा से, और ये अपनी जगह पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1। इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा कि एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यहां पर ओमेगा क्यूब की जगह 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 बस हम लिखते नहीं, एक मल्टीप्लिकेशन में वो खत्म हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल टू 1। इससे यहां पर आएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये इक्वल है माइनस ओमेगा के, जो कि हमने प्रूफ करना है कि 1 के बराबर है। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 is equal to 1, left hand side is equal to right hand side, hence proved that left hand side is equal to right hand side.